एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम देखने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का नया टेक्निक, दैट इज कॉल्ड एज अ कलोरीमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज़ लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन कलोरीमेट्री। सो कलोरीमेट्री एक टेक्निक है और इसमें कलोरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ओके, सो कलोरीमीटर इट इज डिपेंड ऑन कुछ ना कुछ, यहाँ पर क्या है, कलर का कुछ तो काम है, एब्सॉर्बेंस है, कलर को एब्सॉर्ब करके उससे क्या कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा। ओके, सो ये टेक्निक है, ये कलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है, इट कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग थ्रू अ सॉल्यूशन विथ अमाउंट दैट कैन गेट थ्रू अ सैंपल ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, कंपेयर करता है ये इंस्ट्रूमेंट सॉल्यूशन के थ्रू कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है, कितनी वेवलेंथ की लाइट पास हो रही है, और प्योर सॉल्वेंट जो यूज़ किया है सैंपल में उससे कितनी लाइट पास हुई है, और इससे क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ये जो डायग्राम दिख रही है ये कलोरीमीटर है। ओके, और यहाँ पर ये क्यूवेट्स है और आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे कलर के सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। सो ये क्या है, इट इज़ अ, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो पता होंगी, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ओके, जिसमें रेड, येलो, वायलेट, ऑरेंज, इंडिगो, ये सब कलर आते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट्स विथ मैटर, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर से, कोई भी मैटर हो, इंटरैक्ट करती है, तभी इट मे बी रिफ्लेक्टेड, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो कम्प्लीटली एब्सॉर्ब हो सकती है, या फिर वो पार्शली एब्सॉर्ब हो सकती है। मतलब रेडिएशन मैटर ने क्या कर सकता है, मैटर एब्सॉर्ब तो कर सकता है, कम्प्लीटली पार्शली एब्सॉर्ब कर सकता है, या फिर रिफ्लेक्ट कर सकता है। ओके, सो कलोरीमीटर ये डिवाइस है विच इज़ यूज इन कलोरीमेट्री टेक्निक, यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सोल्यूशन बाय मेजरिंग इट्स एब्सॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, मतलब किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये मेजर करने का काम कौन करता है, कौन करेगा, कलोरीमीटर करेगा। ओके, अब प्रिंसिपल देखते हैं। जो कलोरीमीटर का प्रिंसिपल है विच इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल लॉस ऑफ फोटोमेट्री, वन है बीयर्स लॉ, अनदर वन इज अ लैम्बर्ट लॉ। आपको पता होंगे बीयर्स, और आपने कभी तो सुना होगा बीयर और लैम्बर्ट लॉ। बीयर लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब, मतलब कितनी लाइट एब्सॉर्ब हो रही है, कहाँ से, उस मैटर से, इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। आपको सॉल्यूशन तो पता होगा, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। देखो, सो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब। ओके, इट दैट लॉ इज स्टेट बाय बीयर्स लॉ, और इट इज़ कॉल्ड एज अ बीयर्स लॉ, जो क्या कहता है, अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, तो अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एज वेल एज थिकनेस ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो सोल्यूशन बना है, जो सोल्यूशन हमने लिया है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्बेंस देख रहे हैं, एब्सॉर्बेंस आपको पता होंगे, जो नैनोमीटर में हम, सॉरी, जो वेवलेंथ है नैनोमीटर से, उससे हम क्या लेते हैं, एब्सॉर्बेंस लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ओडी बोलते हैं। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एज वेल एज थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। सो द लाइट ऑफ सर्टन वेवलेंथ इज एब्सॉर्ब बाय सोल्यूट इन प्रेफरेंस टू ऑल अदर वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय सोल्यूट इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब ये देखो, ये मजा क्या है, सो जो लाइट सोल्यूट एब्सॉर्ब करता है इन प्रेफरेंस टू ऑल अदर वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट सोल्यूट एब्सॉर्ब करता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें क्या दिखता है, शो होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, 560 नैनोमीटर पे ये क्या है, 560 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ये येलो कलर एब्सॉर्ब हुआ है, तो हमें दिखने में कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू कलर। क्यों दिखेगा ब्लू कलर, बिकॉज ब्लू लाइट इट्स
पास थ्रू दैट सोल्यूशन। ओके, क्या हुआ है, वो जो मैटर है उसने क्या किया, येलो लाइट एब्सॉर्ब की, तो हमें क्या मिला, ब्लू कलर हमें दिखा। क्यों दिखा? बिकॉज ब्लू लाइट वुड अलाउ टू पास थ्रू। वैसे ही अगर 400 नैनोमीटर पे, मतलब 400 नैनोमीटर वेवलेंथ पे हमें वायलेट कलर मैटर ने एब्सॉर्ब किया तो हमें येलो ग्रीन कलर दिखेगा। 435 नैनोमीटर पे अगर ब्लू कलर मैटर ने एब्सॉर्ब किया तो हमें येलो लाइट, येलो कलर शो होगा। ऐसे ही ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर से ये जो थियरी है या प्रिंसिपल है ये बेस है, इसलिए इसको क्या करते हैं, कहते हैं कलोरीमेट्री टेक्निक। ओके, अब एप्लीकेशंस कौन कौन से है कलोरीमेट्री के, तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन द सैंपल। कोई भी सैंपल है उसमें कितना एनालाइट प्रेजेंट है, अमाउंट कितना है उसका, ये डिटरमाइन करने के लिए कलोरीमेट्री यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग द अननोन अमाउंट ऑफ एनालाइट विल देन गिव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन द सैंपल। मतलब हम पहले क्या करते हैं, सैंपल में कितना एनालाइट है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो मैं ओडी निकालते हैं उससे हम क्या कहते हैं, अननोन अमाउंट ऑफ एनालाइट कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज टू ऑप्टेन द मोलार एब्सॉर्प्टिविटी एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर लीटर। कितना सोल्यूशन, सोल्यूशन में कितनी स्ट्रेंथ पर कोई चीज़ प्रेजेंट है ये भी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कलोरीमेट्री टेक्निक यूज़ करते हैं। और टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ गिवन केमिकल रिएक्शन विद टाइम, मतलब कोई भी रिएक्शन कितनी देर तक चलती है इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, कलोरीमेट्री टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।